आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर मतलब आखिरी 3 महीने में कौन कौन से रीजन है ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि हर महीने पीरियड्स की तरह ही ब्लीडिंग या स्पॉटिंग सेम डेट पे दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सिर्फ एक रीजन है, वो है प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई कम होना। तो अगेन उसके लिए हार्मोनल सप्लाई चाहिए, हार्मोनल सपोर्ट चाहिए। लास्ट जो 3 महीने में है उसमें ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का रीजन है प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा मेली की पोजीशन ठीक तरह से नहीं होना, प्रीटर्म लेबर मतलब डिलीवरी डेट से पहले लेबर स्टार्ट हो जाना, पेन स्टार्ट हो जाना किसी भी वजह से, जैसे अगर ब्लड प्रेशर रहता है, ट्विन या ट्रिपलेट्स मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यूरिन इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो इन सारी वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है, तो उसमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा बहुत 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 क्रिटिकल कंडीशन है मदर के लिए जिसमें बहुत ब्लीडिंग होता है, तो ये भी थर्ड ट्रिमेस्टर में पॉसिबल है। कभी कभी अगर आपकी डिलीवरी डेट आ गई है, 36 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है, तो ये नॉर्मल कंसीडर हम कर सकते हैं। हम कंसीडर कर सकते हैं कि शायद ये आपका डिलीवरी टाइम है, शायद ये नॉर्मल लेबर है। साथ में कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे यूरिन इन्फेक्शन, बहुत टाइम से फीवर होना, एंट्राइटिस मतलब स्टमक या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होना, बीपी बहुत रहना, हीमोग्लोबिन कम रहना, थायराइड होना, ये सब कंडीशन भी है थर्ड ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग के लिए। अगर थर्ड ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग हो रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी डेट अभी देर से है तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को मिले, ताकि अगर ऐसी कंडीशन है कि ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग प्रिवेंट हो सकता है तो वो जल्दी से हो जाए। तो आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, लेबर पेन है, प्रीटर्म लेबर पेन है उसकी जांच करेंगे, साथ में सोनोग्राफी करेंगे बेबी के ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी कौन से वीक्स तक पहुंची है उस हिसाब से बेबी का डेवलपमेंट है कि नहीं है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है कि नहीं है वो सब भी देखना जरूरी है, पानी कितना है वो सब भी देखना जरूरी है, और अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए ब्लड रिपोर्ट्स करवाने और यूरिन रिपोर्ट्स करवाने भी जरूरी है। इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कॉजेस। अगर डिलीवरी डेट आ गई है, आपके 36 वीक्स कंप्लीट हो गए, आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर हो गई है, तो फिर डरने वाली बात नहीं है, शायद ये आपका लेबर पेन का स्टार्टिंग फेज है, तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपकी डिलीवरी डेट अभी नहीं आई है, 28, 30, 32 वीक्स या 34 वीक्स है और ब्लीडिंग स्पॉटिंग स्टार्ट हो गया है, तो ये प्रीटर्म लेबर हो सकता है, तो उसके लिए रेस्ट जरूरी है, कुछ ट्रीटमेंट जरूरी है। अगेन अगर सर्विक्स की लेंथ कम हो गई है या सर्विक्स ओपन हो गया है, तो इस टाइम पे भी पॉसिबल है कि हम वायरिंग करके, ऑस टाइटनिंग करके सर्विक्स को बंद कर दे, तो लेबर हम रोक सकते हैं। अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है मदर के लिए, तो इसको तुरंत 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 कंसर्न करना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। मेडिकल कंडीशन यूरिन इन्फेक्शन, फीवर, वजाइनल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको तुरंत कंट्रोल करें, एंटीबायोटिक का कोर्स करें, ताकि इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ना हो। और हाँ, अगर डिलीवरी डेट में टाइम है तो रेस्ट करना भी जरूरी है। सो मॉमीज, ये कुछ कंडीशंस थी थर्ड ट्रिमेस्टर के लिए। सो मॉमीज, हमने हमारे लास्ट तीनों वीडियोस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रिमेस्टर के रिलेटेड ब्लीडिंग, स्पॉटिंग के रीजन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, सब कुछ जितना पॉसिबल है उतनी इंफॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये कंडीशन ऐसी है कि आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझा सकते हैं, जज कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। और हाँ, पैनिक ना करें, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, खुश रहे,
अपने सप्लीमेंट्स लेते रहिए, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, हाइड्रेशन को मेंटेन करें। हैप्पी मदरहुड।